हमारा मामू का ड्राइवर था, वो ये देखी गया है। वाओ, मामू ने तो इतने सारे पैसे भेजे। अच्छा है। देखो पुनी, मैं तुमको प्यार से समझा रहा हूँ कि अभी के अभी अपने भाई को फोन करो और ये सारी मिठाइयाँ और ये पैसे वापस करके आओ। पर मामू अपना ड्राइवर भेज रहे और फिर हम उनके साथ मॉल जाएंगे। अच्छा, तो अब पति गरीब हो गया है तो मामू परम मामू इन सब का खर्चा उठा रहा है। अब तुम्हें अपने मायके और ससुराल में से किसी एक को चुनना होगा। हेलो दीदी, मैंने जीजा जी को रेफर किया था अपनी कंपनी में, तो कंपनी वालों ने जीजा जी को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तुम्हें अपने मायके और ससुराल में से किसी एक को चुनना होगा। तुम्हें अपने मायके और ससुराल में से किसी एक को चुनना होगा। जब शादी हुई थी तो पापा ने कहा था कि ससुराल ही तेरा घर है और जिंदगी में सबसे पहले घर ही तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने मम्मा पापा को छोड़ दूं। उन्हीं की वजह से ही तो आज मैं यहां हूं, मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूं। Later. रमी, आज डिनर में दाल चावल बना दूं? अरे वो सब छोड़ो, ये क्या है? क्या हुआ रमी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने भाई के पैसे वापस लौटा दो। ये तो मेरे पैसे हैं रमी, परम के पैसे तो मैंने उसे लौटा दिए। तुम झूठ बोल रही हो पुनीत। रमनीक मेरा यकीन करो, ये पैसे मैंने जोड़ के रखे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे मायके से जुड़ी मुझे एक भी चीज इस घर में नहीं चाहिए। देखो रमनीक, मेरी बात ध्यान से सुनो, आराम से सुनो। मेरे लिए जितने इम्पोर्टेंट आप हो उतने ही इम्पोर्टेंट मेरे मायके वाले हैं, तो मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अगर ये रमनीक को पता चल जाता कि ये पैसे परम के दिए हुए हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। Later. हम कितने दिनों से नानी हाउस नहीं गए ना। हाँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा है जाने का। नानी के घर? मम्मा, नानी हाउस ले जाओ ना। हाँ जी मम्मा, हमारा कितना ज्यादा मन कर रहा है नानी हाउस जाने का। बेटा, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है नानी हाउस जाने का, पर नहीं जा सकते, पापा ने मना किया है। और अगर हम गए तो पापा को बहुत बुरा लगेगा, वो बहुत डांटेंगे। मम्मा को कितना बुरा लगता होगा। हाँ अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक बार पापा से बात करते हैं। हाँ चलो। हाँ भाई मोंटी, कुछ नौकरी का जुगाड़ हुआ, कोई बात बनी क्या? यार जिस कंपनी में मैं हूँ मैंने उनसे थोड़े दिन पहले बात करी थी, उन लोगों ने तो मना कर दिया है। हे भगवान, मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? पुनीत भाभी का भाई भी तो किसी अच्छी कंपनी में है ना, उससे बात करके देख। नहीं नहीं, मुझे अपने ससुराल वालों का कोई एहसान नहीं चाहिए। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, बुरे वक्त में तो अपने ही अपनों के काम आते हैं। अच्छा मैं भी तेरे से थोड़ी देर में बात करता हूँ। पापा, हमारा नानी हाउस जाने का बहुत मन कर रहा है, क्या हम जा सकते हैं? हाँ जी पापा, हमारा बहुत मन कर रहा है, क्या हम चले जाएं? हाँ जी बेटा जरूर जाओ, तुम्हारी मम्मा ने ही तुम्हें भेजा है ना मेरे पास ये सब बोलने के लिए। नहीं पापा, इनफैक्ट मम्मा तो मना कर रही थी। प्लीज पापा, हम जाएं क्या?
ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन फिर यहाँ दोबारा मत आना। Later. परम का फोन। हेलो। हाँ परम। हाँ दीदी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी कंपनी वालों ने जीजा जी को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। वो इंटरव्यू कल है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जीजा जी को बोल देना टाइम से पहुंच जाए। इतना अच्छा ऑफर है, पर रम्मी को कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं कि ये कर लो, और परम को क्या बोलूं कि उसकी मदद को उसके जीजा जी उसका एहसान समझ रहे हैं। हे भगवान। Later. पापा, हम आपके लिए पानी लाए हैं। थैंक यू बेटा। पापा, हम आपका सर दबा रहे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। ठीक है। अरे क्या हुआ बच्चों, कुछ कहना है क्या? नहीं पापा। पापा, दीदी और मैंने डिसाइड किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे, क्योंकि जब हम बड़े हो जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी, तो फिर हम आपके पास नहीं आ पाएंगे ना। अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम तो मेरे पास ही आओगे ना, मैं तुमसे दूर कैसे रह पाऊंगा। वैसे ही जैसे नानू नानी मम्मा से दूर रह रहे हैं। पापा, आपने भी तो मम्मा को कहा है ना कि आप में से या फिर नानू नानी में से एक चॉइस चूज करनी है। और फिर अगर हमको भी ये ऑप्शन मिली तो? आई एम सॉरी बच्चों, मैं ऐसा मौका कभी नहीं आने दूंगा। पापा, आपको हमसे नहीं मम्मा से माफी मांगनी चाहिए। Later. पुनीत, पुनीत मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें मायके और ससुराल में से चूज करने के लिए बोला था, ये मेरी गलती नहीं थी, ये मेरा एक बहुत बड़ा पाप था। आई एम सॉरी पुनीत। रमनीक, मुझे खुशी है इस बात की कि आपको अपनी गलती का एहसास है, पर एक बात हमेशा याद रखना, एक औरत के लिए जितना इम्पोर्टेंट उसका ससुराल होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसका मायका होता है, और होनी भी चाहिए। पर इसी तरह आपको भी, आपके लिए भी आपके ससुराल की उतनी अहमियत होनी चाहिए जितनी मेरे को मेरे ससुराल के लिए है। रमनी, मेरे घर में सब आपको बहुत प्यार करते हैं, सब आपको अपने बेटे की तरह मानते हैं, और मैंने भी कभी किसी से एहसान नहीं मांगा। जैसे हमारे लिए हमारे तीनों बच्चे बराबर हैं, वैसे ही मेरे मामा पापा के लिए मैं और मेरा भाई बराबर है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास ज्यादा पैसे हैं या कम, या हमारे पास कितने पैसे हैं। मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ और हर सिचुएशन में रहूंगी। थैंक यू पुनीत मेरा साथ देने के लिए, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, और तुम देखना मैं जल्द से जल्द कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ के दिखाऊंगा। रमनीक, वो ना परम ने ना आपको अपनी कंपनी में रेफर किया था, मैंने नहीं बोला था उसे करने के लिए। जब उसको पता चला कि हम परेशान हैं, तो उसने आपको अपनी कंपनी में रेफर कर दिया था, और कल उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, आप जाओगे ना? अरे पुनीत क्यों नहीं जाएंगे, और सबसे पहले परम के घर जाएंगे आज रात को, मुझे भी तो उसको प्रमोशन की बधाई देनी है, हम जरूर जाएंगे और कल इंटरव्यू पे भी जाऊंगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अनन्या वर्सेस शनाया,
मैगी चैलेंज लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। मेरे को तो खाने का दिल कर रहा है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, बहुत मजा आ रहा है। वोट फॉर शनाया।